हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रोइंग प्रोफेशनल। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है उन सभी के लिए जो कि फ्रेशर हैं और अपना करियर इंडिया के टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक और बंधन बैंक के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी 6 प्रोफाइल्स हैं जिनके ऊपर बैंक्स कंटिन्यूअसली हायरिंग करते रहते हैं और उनके ऊपर आज की डेट पे भी हजारों ओपनिंग्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उन प्रोफाइल्स के अंदर आखिर क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं, ताकि आप इन प्रोफाइल्स को अच्छे से समझ सको और डिसाइड कर सको कि आपके लिए बेस्ट प्रोफाइल कौन सी है। इस वीडियो में मैं सिर्फ सेल्स वाले जॉब नहीं बताऊंगा, मैं आपको ऑपरेशंस वाली जॉब भी बताने वाला हूं। ऐसी भी जॉब बताऊंगा जिसमें आपको फील्ड में नहीं जाना, किसी से जाके मिलना नहीं है, आप इनफैक्ट वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज मैं शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल हैं, और वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। इस वीडियो को हम शुरू करेंगे और डिटेल में बात करेंगे, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर आप कौन से बैंक के अंदर जॉब करना चाहते हो। फटाफट से हमें कमेंट करके बताओ ताकि उस बैंक से रिलेटेड हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपके साथ आगे आने वाले वीडियोस के अंदर शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट लेके आते हैं आपकी मदद करने के लिए प्राइवेट बैंक के अंदर जॉब पाने में। वीडियो को शुरू करते हैं पहली प्रोफाइल के साथ जो कि है ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव या ऑपरेशंस मैनेजर। माय डियर फ्रेंड, ये प्रोफाइल एक एंट्री लेवल प्रोफाइल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। एज ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव या ऑपरेशंस ऑफिसर, आपका काम होता है अकाउंट ओपनिंग को हैंडल करना, डिपॉजिट्स को और विड्रॉल्स को मैनेज करना। आपका सेकंड इंपॉर्टेंट काम होता है जितने भी कस्टमर्स के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको मैनेज करना, और कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उनको एड्रेस करना। थर्ड इंपॉर्टेंट टास्क होता है इंश्योर करना कि ब्रांच के जो ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली चल रहे हों और जितना भी ऑपरेशंस हैं वो सारा कंप्लायंसेस को फॉलो करके हो रहा हो। फोर्थ इंपॉर्टेंट टास्क आता है डिफरेंट टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, ताकि पूरा का पूरा जो ब्रांच के ऑपरेशंस हैं वो एफिशिएंटली और स्मूथली रन करते रहें। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोफाइल होती है, और ये जो प्रोफाइल होती है वो ऑफिस जॉब होती है, इसमें आपको बाहर नहीं जाना होता, जो भी काम होता है वो ब्रांच के अंदर ही होता है। तो काफी लोगों की जो रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें ब्रांच के अंदर ही रहकर काम करना है, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेकेंड जॉब प्रोफाइल के बारे में। सेकेंड जॉब प्रोफाइल है सेल्स ऑफिसर। माय डियर फ्रेंड, बैंक के डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होते हैं, अगर उनकी बैंक सेल नहीं करेगा तो बैंक आगे फंक्शन ही नहीं कर पाएगा, बैंक आगे ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी और बैंक कोलैप्स कर जाएगा। तो इससे आपको समझ आता है कि कितना इंपॉर्टेंट है सेल्स ऑफिसर का काम। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप कस्टमर को कन्विंस कर सकते हो, तो ये प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इस प्रोफाइल में ना सिर्फ आपको सैलरी मिलती है, साथ साथ बोनसेस भी बहुत अच्छे मिलते हैं, करियर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो थोड़ी सी सेल्स की स्किल आप सीख लीजिए तो आप इस प्रोफाइल पे बहुत ज्यादा शाइन करेंगे, राइट? अब जानते हैं कि इस प्रोफाइल पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी। सबसे पहले जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होता है नई लीड्स को जनरेट करना और उनको कन्वर्ट करके क्लाइंट बना देना, यानी कि उनको कोई ना कोई बैंकिंग का प्रोडक्ट दे देना। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको बैंकिंग के प्रोडक्ट सेल करने होते हैं। ये बैंकिंग के प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, लोन, राइट? डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप सेल्स करोगे। देन ये आप कैसे करते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का थर्ड पार्ट क्या हो जाता है, आप कस्टमर्स के यहाँ पे विजिट करते हो, उनको प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करते हो और डील्स को क्लोज करते हो। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट टास्क, रिपोर्टिंग। आप जो भी काम कर रहे हो, जिन भी कस्टमर से मिल रहे हो, क्या प्रोग्रेस है, क्या आपकी आउटपुट है, सब कुछ आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। सो ये आपका मेजर टास्क होते हैं एज अ सेल्स ऑफिसर, यानी कि ओवर एंड ऑल आप रिस्पॉन्सिबल होते हो सेल्स एक्टिविटीज के लिए। अब बढ़ते हैं थर्ड प्रोफाइल की तरफ। थर्ड प्रोफाइल है क्रेडिट एनालिस्ट या क्रेडिट ऑफिसर। बेसिकली क्रेडिट एनालिस्ट का क्या काम होता है, टू अंडरस्टैंड कि कौन पर्सन लोन वर्दी है, किसको लोन दिया जाए, किसको लोन नहीं दिया जाए। तो आप बेसिकली लोन के एप्लीकेशंस को एसेस करते हो। अब इस प्रोफाइल को डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होंगी इस प्रोफाइल के ऊपर। इस प्रोफाइल के ऊपर आपको जो मेजर टास्क मैंने आपको बताया, आप लोन के जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको एसेस करते हो और वेरीफाई करते हो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को। सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो इस प्रोफाइल का होता है, उसमें आप जो कस्टमर्स होते हैं उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करते हो और चेक करते हो कि क्या ये पर्सन क्रेडिट वर्दी है, क्या इसको लोन दिया जाए या इसका लोन रिजेक्ट कर दिया जाए। सो इसके लिए आपका जो फाइनेंशियल एक्यूमेंट है, आपके फाइनेंशियल डेटा के एनालिसिस की नॉलेज है, वो काफी स्ट्रांग
होनी चाहिए। थर्ड जो आपका काम होता है वो लोन अप्रूवल को और लोन के डिसबर्समेंट्स को असिस्ट करना होता है, यानी कि आप सपोर्ट करते हो डिसबर्समेंट कराने के लिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अक्रॉस द टीम, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, कस्टमर से भी कोऑर्डिनेट करते हो, इंटर ब्रांच से भी कोऑर्डिनेट करते हो और हेल्प करते हो कस्टमर के लोन को डिसबर्स करने में। फोर्थ और इम्पोर्टेंट टास्क, आप जो एग्जिस्टिंग लोन्स होते हैं उनको आप मॉनिटर करते हो कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कोई डिफॉल्ट तो नहीं जा रहा, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। आप हमेशा रिस्क फैक्टर्स को मैनेज करते रहते हो। ये प्रोफाइल भी ऑफिस प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल के लिए भी आपको मोस्टली ब्रांच में रह के ही ऑफिस के अंदर रहकर ही काम करना होता है। अगर आप क्रेडिट एनालिस्ट में इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए हम ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, उसके अंदर हमने सैलरी से लेकर के ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कैसे आप इस प्रोफाइल के ऊपर सेलेक्ट हो सकते हो, वो सब कुछ हमने कवर किया हुआ है, उसको आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। अब बात करते हैं फोर्थ प्रोफाइल की। फोर्थ प्रोफाइल है फोन बैंकिंग ऑफिसर। माय डियर फ्रेंड, एज अ फोन बैंकिंग ऑफिसर आपको जो मेजर काम होता है वो कस्टमर्स की क्वेरीज को रिजॉल्व करना होता है ऑन द फोन। इंटरेस्टिंग पार्ट, काफी सारे बैंक्स इस प्रोफाइल पे वर्क फ्रॉम होम भी देते हैं, आप घर बैठे भी इस जॉब को कर सकते हो। अब इस जॉब के अंदर आपको करना क्या होगा वो मैं फटाफट से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बोला, आपका फर्स्ट टास्क होगा कस्टमर्स की इंक्वायरीज को ओवर द फोन हैंडल करना और रिजॉल्व करना। सेकेंड जो है वो कस्टमर्स को अकाउंट रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना। काफी लोग बैंक अकाउंट बैलेंस चेक करना चाहते हैं, उनको अपने अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप उनके अकाउंट को एक्सेस करके फोन पे उनकी हेल्प करते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट टास्क होता है अपसेलिंग द प्रोडक्ट्स ऑन कॉल। काफी बार आप कॉल करते हो कस्टमर्स को, आप इंसिस्ट करते हो कि वो कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दे, कोई इंश्योरेंसेस ले दे, कोई क्रेडिट कार्ड खरीद ले, कोई लोन ले ले, तो आप कस्टमर्स को कॉल करके या तो कोई प्रोडक्ट सेल करते हो या कोई प्रोडक्ट क्रॉस सेल करते हो या कोई प्रोडक्ट अपसेल करते हो। फोर्थ इंपॉर्टेंट टास्क, जो भी आप कस्टमर से इंटरेक्शन करोगे वो आपको कॉल लॉग मेंटेन करने हैं और उसकी टाइमली रिपोर्टिंग करनी है। तो ये मेजर मेजर टास्क हैं। अच्छी बात, काफी सारे बैंक्स ये वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिफ्थ और मेरी पर्सनल फेवरेट जॉब प्रोफाइल के बारे में, जो कि है रिलेशनशिप मैनेजर। इस प्रोफाइल के अंदर आपको एक पोर्टफोलियो ऑफ कस्टमर्स मिलेगा, कुछ सिलेक्टेड कस्टमर्स आपको असाइन कर दिए जाएंगे, आपको उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, उनकी हेल्प करनी है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उनको फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करनी है, और इस प्रोसेस के थ्रू आप बैंकिंग के प्रोडक्ट्स को क्रॉस सेल अपसेल करते हो। राइट, आप थोड़े डिटेल में समझ लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहने वाली हैं। सबसे पहले जो आपका टास्क है वो है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, और नए जो कस्टमर बैंक के साथ जुड़ रहे हैं उनको ऑनबोर्ड कराना, बैंकिंग की जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज है उनके साथ उनको फैमिलियर बनाना। सेकेंड, क्रॉस सेल करना प्रोडक्ट्स को, जैसे कि लोन्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स। थर्ड इंपॉर्टेंट टास्क है अगर कस्टमर्स के कोई भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करना, हैंडल करना, और साथ ही साथ उनको फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करना ताकि वो सही डिसीजन ले सके और उनको बैंक के प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने पहले बोला, आप क्रॉस सेल कर पाओ, वहां से आप अपॉर्चुनिटी निकाल पाओ। और फोर्थ और इंपॉर्टेंट टास्क, आपको जो सेल्स के टारगेट होंगे, ना सिर्फ कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करनी है साथ साथ अपने सेल्स के टारगेट भी अचीव करने हैं। ये प्रोफाइल मैंने कहा मेरी फेवरेट है। क्यों प्रोफाइल फेवरेट है? क्योंकि इसमें आपको एक तो लिमिटेड सेट ऑफ कस्टमर्स मिलते हैं, उन्हीं कस्टमर के साथ आपको काम करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन पोटेंशियल कस्टमर्स है, उनको आप प्रोडक्ट सेल करोगे, अपसेल करोगे, तो आप अच्छी खासी सेल्स कर पाओगे और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे बैंक के लिए, और साथ साथ अच्छा खासा आप इंसेंटिव बना पाओगे। इस प्रोफाइल के ऊपर जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा तेजी से होती है, इसलिए भी ये प्रोफाइल मेरी फेवरेट है। राइट, इस प्रोफाइल के ऊपर क्या सैलरीज मिलती हैं, कैसे आप इस प्रोफाइल के अंदर जॉब पा सकते हो, सारी डिटेल हमने कवर की हैं इस वीडियो के अंदर, जाके इस वीडियो को आप चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिक्स प्रोफाइल, जो कि है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। माय डियर फ्रेंड, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसमें कस्टमर्स को आपको सर्व करना है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और ये आपका डेडिकेटेड काम होता है कि कस्टमर की कंप्लेंट्स को ही सॉल्व करना, इसमें आपको सेल्स नहीं करनी होती। इस प्रोफाइल के अंदर आपको ब्रांच में रहकर या ऑफिस में रहकर काम करना होता है, कुछ कुछ बैंक इस प्रोफाइल के ऊपर भी वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं। तो अब आगे डिटेल में समझ लेते हैं कि इस प्रोफाइल के ऊपर क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहने वाली है। सबसे पहले टास्क रहेगा कस्टमर्स की क्वेरीज को एड्रेस करना और उनकी कंप्लेंट्स को रिजोल्व करना। आपको जो सेकेंड टास्क रहता है वो रहता है कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तीसरा, डिजिटल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के बारे में कस्टमर्स को गाइड करना, कैसे वो बैंक के एप्स को यूज कर सके, कैसे वेबसाइट्स को नेविगेट करके जो टास्क वो करना चाहते हैं वो कर सके, वो सारी हेल्प आप ऑन कॉल कस्टमर्स को करते हो। अगर वो कस्टमर ब्रांच में विजिट कर रहे हैं तो आप उनकी वन ऑन वन मिलके हेल्प करते हो। फोर्थ, आपका जितना भी इंटरेक्शन हो रहे हैं उनको आप रिकॉर्ड करते हो और साथ साथ बेस्ट
सर्विस स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हो, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कस्टमर रिटेन रहेंगे बैंक के अंदर या बैंक को छोड़ के दूसरे बैंक के अंदर चले जाएंगे, तो ये रोल बहुत जरूरी होता है। बहुत ही ज्यादा कंपनीज इस रोल के ऊपर ट्रेनिंग पे एक्सपेंस करती है, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करती है। आई होप ये 6 के 6 जॉब रोल आपको क्लियर है। इनमें से कौन सा जॉब रोल आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा वो भी हमें कमेंट करके बताओ, और बैंक में जॉब पाने के लिए आप सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस कर रहे हो वो भी हमें कमेंट करके बताओ, ताकि उस चैलेंज को सॉल्व करने में हम आपकी मदद करें। उसके लिए भी हम डिटेल वीडियो लेके आए। इस वीडियो से कुछ आपकी हेल्प हुई तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। सब्सक्राइब करना फ्री होता है, लाइक करना फ्री होता है, शेयर भी फ्री है यार, तो प्लीज किया करो ताकि हमारी भी काफी ज्यादा मदद हो, इस चैनल को हम और ग्रो कर सके और काफी ज्यादा लोगों की हेल्प कर सके। हेल्प करने से याद आया, अगर आप अपना करियर बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर बनाना चाहते हो तो हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है। ये लाइव कोर्स है, ये रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है, लाइव कोर्स है। 3 मंथ्स का कोर्स है। हर वीकेंड पे मैं और मेरे साथ और बैंकर्स एसोसिएट हुए हैं जो ऑलरेडी बैंकिंग के अंदर वर्किंग है या जिनका 20+ बैंकिंग के अंदर एक्सपीरियंस रहा है, ऐसे बैंकर्स के साथ मिलकर हमने एक बहुत ही पावरफुल कोर्स बनाया है। इस कोर्स का नाम है BFSI प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। इस कोर्स के अंदर मजे की बात पता क्या है, बेस्ट पार्ट, हम 100% जॉब अश्योरेंस दे रहे हैं। इस 3 महीने के कोर्स के बाद हम आपको 100% गारंटी दे रहे हैं 3 इंटरव्यूज की। अगर आप इस कोर्स के लिए सेलेक्ट हो जाते हो तो आपके सिलेक्शन की पूरी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम आपकी पूरी तैयारी करेंगे ताकि आप सेलेक्ट हो जाओ। इस कोर्स के अंदर हम सिर्फ 25 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने वाले हैं। अगर आप इस कोर्स के अंदर ज्वाइन करना चाहते हो, नीचे फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म एब्सोल्युटली फ्री है, जाइए उस फॉर्म को फिल कीजिए और हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और इस कोर्स के बारे में आपको ज्यादा डिटेल्स हम शेयर करेंगे। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और फटाफट से इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। अगेन, ये वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई है तो वीडियो को प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।